Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. As you know, nowadays we are discussing trigonometry. We have discussed some question of trigonometry. Now we want to discuss some another question of trigonometry, which is exercise of 3.4. Let me start this question. Welcome again to AVM online classes. 3 cos π/3, secant π/3, -4 sin π/6, 10π/4 cos 2π equal to 1 prove करना है. तो अपन क्या करेंगे, देखो बेटा cos π/3 और secant π/3 क्या होते हैं, दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं भाई. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, cos और secant कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3 -4 sin π/6. tangent π/4, अब 10π/4 क्या होता है, 10 45 क्या होता है 1, और cos 2π अब ये रह गया. अब बेटा देखो इसको सॉल्व करो, 3 4 sin, अब ये एंगल को रेडियन में चेंज करने की कोशिश करो तो उसी में खेल होगा अब सारा. जैसे 5π/6 है, इसको एक स्टेप अप π - π/6 याद है बेटा, 6 1 6 6 में से बन गया 5, और cos 2π है, इसको एक स्टेप अप cos 2π + 0. अब बच्चे यहाँ पर देखो π माइनस कौन सा पॉइंट है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. साइन क्या होता है, पॉजिटिव. तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव. तो 3 - 4 sin π/6, फिर cos 2π + 0 है तो 2π + 0, 2π ये रहा और प्लस 0 ये रहा ऊपर, तो 2π + 0 फर्स्ट क्वांट है. फर्स्ट क्वांट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव cos 0. अब sin π/6 मतलब sin 30 भाई, 0 होता है 0, 30 को लिखते हैं π/6, 45 को लिखते हैं π/4, और 60 लिखते हैं π/3, और 90 लिखते हैं π/2. तो यहाँ पर π/6 मतलब यानी कि कौन सा एंगल हो गया, 30. साइन 30 को लिखती है 1/2, तो 3 - 4 × 1/2 इंटू कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 2 2 4, 3 2 गया 1, 1 × 1 आंसर आए. ऐसे यहाँ पर एक्स कोट 90 पर सिटा भाई, 90 का कौन सा मल्टीपल है, ओड, तो ओड है तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सॉरी ओड है तो चेंज होगा, सॉरी गलत वर्डिंग बोल रहा था मैं, ओड है तो क्या होगा, चेंज होगा. तो 90 कोट किसमें चेंज होगा, टेंजेंट सिटा. पॉइंट कौन सा, सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव. जिसको हम बदल रहे हैं उसको देखेंगे, जो रिजल्ट आया उसको नहीं देखेंगे हम, जिसको बदल रहे हैं उसको देखेंगे. अब 10 90 - θ क्या होता है, कोट. कौन सा क्वाइंट है, सेकंड में कोट क्या, 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव. प्लस साइन थीटा, फिर कोसेकेंड 90 क्या होता है, सेकेंड. क्वाइंट कौन सा है, सेकंड में कोसेकेंड क्या होता है, क्या आएगा, पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या है, सॉरी कोसेकेंड क्या होता है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इक्वल टू 0. अब इसका सॉल्व करो, माइनस का एक्स साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस माइनस का कोस बाय साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, प्लस 1 बाय कोस थीटा इक्वल टू 0 भाई. साइन से साइन कैंसिल हो गया बेटा, कोस एलसीएम मिलो, तो कोस एलसीएम मिली हमने कोस थीटा, तो यहाँ पर आ गया कोस से कोस कैंसिल आउट, तो माइनस का एक साइन थीटा आ गया बेटा, माइनस क्या आएगा, कोस के थीटा आ गया, प्लस कोस से कोस कैंसिल 1 = 0. अब बेटा इसको सॉल्व करो, माइनस का एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 लिया है तो माइनस का 1, माइनस लिया तो प्लस का कोस के थीटा आ गया, फिर माइनस का एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस का एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, या एक्स इक्वल टू साइन थीटा। नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। वी वांट टू प्रूव कोस स्क्वायर पाई बाई एट, कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट, कोस स्क्वायर फाइव पाई बाई एट, कोस स्क्वायर सेवन पाई बाई एट इक्वल टू टू। अब द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमने ये प्रूव करना टू। अब ये टू कब प्रूव होगा, जब हमारे पास देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो, भाई एक को साइन चेंज करना पड़ेगा। अब साइन तभी चेंज होगा जब 90 का ओड मल्टीपल हो, क्या हो 90 का ओड मल्टीपल हो। तो देखो बेटा हम कोस स्क्वायर बड़े वाला को तोड़ लेते हैं, पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर, अब फाइव पाई बाई एट है तो इसको इस स्टेप पाई बाई टू। अब इसमें हम या तो ये ऐड होगा तो आ जाएगा ये, या ये ऐड होगा तो आ जाएगा। चेक करके देखो, पाई बाई टू में आप एक बार फाइव पाई बाई एट करके देखते हैं, सॉरी पाई बाई एट करके देखते हैं, ऐड टू और एट एलसीएम कराया, एट टू फोर जो एट फोर पाई प्लस वन पाई, तो आ गया ना भाई, तो इससे बन गई बात। यदि इससे नहीं बनती तो आप इससे करते, तो आप यहाँ पर आ गया बेटा, क्या आ गया पाई बाई एट। ऐसे ही यहाँ पर कोस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई एट, चाहे आप करके देख लेना। अब कोस स्क्वायर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट प्लस कोस 90 प्लस थीटा है, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन में, तो साइन में हो जाएगा। कोस सेकंड पॉइंट में क्या होता है नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, तो माइनस का साइन पाई बाई एट आना चाहिए था। लेकिन इसकी पावर कितनी है स्क्वेयर, तो इसकी पावर भी कितनी आएगी स्क्वेयर, तो माइनस का स्क्वेयर क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मीन्स ये बेटा, जब भी इवन पावर है तो प्लस माइनस का चक्कर छूट जाता है, जब भी इवन पावर है तो प्लस माइनस का चक्कर छूट जाएगा, हम बस सीधा प्लस लिखेंगे, तो साइन स्क्वेयर पाई बाई एट और यह आ जाएगा साइन स्क्वेयर थ्री पाई बाई एट। अब देखो बेटा इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये क्या होता है वन और ये क्या हो गया वन, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, तो वन और वन टू। अब ऐसे ही देखो बेटा यहाँ पर है, इसको इसी तरीके से भी कसते हो, थोड़ा इजी कसते हो इसको, पाई जगह 180 लिख के देख लो, पाई जगह एक तो ये मेथड तो है ही नहीं, तो पाई 180 लिखोगे थोड़ा और इजी हो जाएगा। साइन स्क्वायर 180 बटे में 18 करोगे, यहाँ पर नहीं लिखते थे क्योंकि 180 बटे 8 कट नहीं रहा था, यहाँ पर कट जाएगा तो कितना आएगा 10 डिग्री साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर 40। अब यहाँ से साफ साफ इंट मिल रहा हमें क्या, सॉरी 20 के 80, देखो 80 और 10 90, 17 और 20 90, तो अपने आप बन रहा है। यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 को तोड़ लो तो इसको तोड़ लो, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 70 में स्टेप आ 90 माइनस 20 और साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 20। अब इवन पावर है तो इसमें हमें क्वाड्रेंट चेक करना ही नहीं है, तो क्या देगा कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 10, अब ये क्या होगा वन और ये क्या देगा वन, तो वन और वन टू हो जाएगा। ओके तो इनको राइट डाउन कर लो बेटा, नाउ लेट वी स्टार्ट अदर क्वेश्चन। अब यहाँ पर बेटा इसको इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, जो पहले वाला सब में था इक्वल टू टू प्रूव करना था, यहाँ पर हमने इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो इक्वल टू जीरो कैसे प्रूव करोगे, एक प्लस का और एक माइनस का,
तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कॉस क्यूब पाई बाई एट प्लस कॉस क्यूब थ्री पाई बाई एट। अरे बेटा थ्री और फाइव एट, एट अपॉन में एट आ रहा है, तो इसको लिखते हैं कॉस क्यूब पाई माइनस क्या लिखते हैं आप, थ्री पाई बाई एट लिखते हैं आप इसको, और कॉस क्यूब लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई एट लिखते हैं हम। अब बेटा यहाँ पर कॉस क्यूब, बेटा यहाँ पर भी हमें साइन करना होता तो 90 का ओड मल्टीपल लेते, अब कोस का कोस रखना है तो 90 का इवन मल्टीपल लेंगे, यानी कि पाई का पाई रखेंगे, 92 जाए 180 होता ना बेटा, तो 180 में रखेंगे आप इसको, पाई बाई एट प्लस कोस क्यूब थ्री पाई बाई एट। अब बेटा यहाँ पर 180 माइनस सिट्टा है पाई माइनस सिट्टा, पाई माइनस सिट्टा बेटा ये हो गया पाई माइनस सिट्टा, सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था नेगेटिव, ओड पावर है, यदि इवन पावर होती तो प्लस आता, ओड पावर तो क्या आएगा माइनस कोस क्यू थ्री पाई बाई एट और माइनस कोस क्यू पाई बाई एट आ गया। अब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल आउट, कितना आ गया जीरो, तो हैंस प्रूफ। ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा, टेंजेंट टेन, 10 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है 90, इन दोनों के साथ, फिर कोस 20 इसके साथ, और टेंजेंट 40 और 50 90, ऐसा टेंथ में क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे भाई 10 डिग्री है तो इसको हम इन दोनों में, या तो इसको 80 में चेंज कर दीजिए या इन दोनों को 10 में चेंज कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है, मैंने इसको चेंज कर दिया एक को, तो टेंजेंट 90 माइनस 80, आप कोस 20 है कोस सेकेंड 70, एक को चेंज कर दीजिए, मैंने इसको चेंज कर दिया कोस 90 माइनस 70, फिर 40 और 50 है तो आप इसको चेंज करते हैं टेंजेंट 90 माइनस 50, फिर टेंजेंट 50, फिर कोस सेकेंड 70, फिर सेकेंड 80 और साइन 80, यह गया हमारे पास। अब 90 माइनस थीटा क्या हो गया बेटा कोट थीटा, तो कोट 80 आ गया हमारे पास, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन, साइन 70 आ गया, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोट, तो कोट 50 आ गया, टेंजेंट 50 कोसेकेंट 70 सेकेंट 80 साइन 80, यह गया बेटा। अब कोट क्या होता है कोस बाय साइन, कोस बाय साइन, तो कोस 80 अपॉन में साइन 80, सभी को साइन कोस चेंज कर दिया, साइन 70 इट इज, कोट 50 क्या होता है कोस 50 बाय साइन 50 इंटू साइन 50 बाय कोस 50 वन बाय साइन 70 1 बाई कोस 80 इंटू साइन 80। अभी सारा कटना चाहिए बेटा, देखो साइन 80 ये कैंसिल आउट, कोस 80 ये कैंसिल आउट, साइन 50 ये कैंसिल आउट, कोस 50 ये कैंसिल आउट, साइन 70 ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1। ओके अब देखो बेटा ये क्वेश्चन देखिए, अब कोस स्क्वायर 15 है, 15 किसकी वैल्यू होती है, 15 तो होती नहीं, 30 की वैल्यू होती है, 45 की होती है, 60 की होती है, लेकिन 75 और 15 90 होता है, तो आप इन दोनों में से एक को तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 75, फिर कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस एंड स्क्वायर 75, ये एट इज रखा हमने। अब कोस 90 माइनस था क्या होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 75 माइनस 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4 और कोस स्क्वायर
75, कोस के ऊपर साइन क्या होता है 1, तो 1 आ गया, माइनस 3 और 1 4 बाई 4 करोगे तो माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1/2, तो ये 1 और 1 कैंसिल तो 1/2, यही प्रूव करना था क्या? नहीं, वैल्यू निकालनी थी, ये आंसर आ गया। ठीक है, राइट डाउन दिस। नाउ लेट मी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। ये बेटा यहाँ पर 1 प्लस कोट अल्फा तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा सिकेंट 90 प्लस अल्फा है, तो सिकेंट 90 प्लस थीटा क्या होता है? सिकेंट 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 मतलब थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90, तो सिकेंट 90 प्लस थीटा क्या होगा? कोसेकेंट, कोसेकेंट आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा बेटा? सेकेंड, सेकेंड में सेकेंड क्या होता है? नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कोसेकेंट क्या गया? अल्फा। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस कोट अल्फा माइनस का कोसेकेंट अल्फा देगा, सेम ही तो ये, अरे सेम ही तो है, तो यहाँ पर ये आया था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस तो क्या आ गया? माइनस। अब ये पूरा ए का काम करेगा, ये ए हो गया, ये बी का काम करेगा बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म लगा दो, क्या होता है? 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। ए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोट अल्फा माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा या कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोट अल्फा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे अगर देखो बेटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इसको ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत है थीटा माइनस 5 पाई बाई 2 है, और आना चाहिए था 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आप क्या करेंगे इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सिकेंट माइनस थीटा क्या होता है? प्लस सिकेंट होता है भाई, यानी इसे माइनस कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर टेन में कॉमन लेंगे तो टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा, तो इसमें माइनस का फर्क पड़ेगा, आगे आ जाएगा, तो हम ये लगाएंगे सेकेंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा सेकेंड 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि सेकेंड में माइनस का फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम इसको ये लिखते हैं, प्लस टेंजेंट 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और ये क्या आएगा? माइनस का फर्क पड़ेगा, ये माइनस का टेंजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया। क्या क्या भाई, अब सिकेंट 90 का कौन सा मल्टीपल है? ओड, तो ओड है तो क्या होगा? चेंज रहेगा भाई, तो क्या आएगा? सिकेंट कोसेकेंट भी। क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट है हमारे पास 3 पाई बाई 2, ये माइनस थीटा, थर्ड, थर्ड में सिकेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर सिकेंट 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 5 पाई बाई 2 ये आ गया माइनस थीटा, ये आएगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सिकेंट पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव। क्या हमारे पास? अरे 5 पाई बाई 2, 3, 4, 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसे यहाँ पर माइनस टेंजेंट, ये क्या होता है बेटा? टेंजेंट 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये सेकंड, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव हो गया, कोट थीटा आ गया। ऐसे यहाँ पर इसको करोगे तो टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा भाई, तो कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड, थर्ड में टेन क्या था? पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। ये आ गया माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा भाई। अब माइनस को ले लीजिए तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके लिए होता है? 1, तो माइनस का 1। देखिए भाई माइनस 1 प्रूव करना होगा, यस माइनस 1 प्रूव करना है, मैंने गलत राइट डाउन कर दिया, माइनस 1,
ओके, तो आज इतना करेंगे. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.